मेरा पातशाह कैसा? गुरु तेग बहादुर पातशाह, तुसी पटना साहब नूं जांदे हो, रस्ते च नगर आउंदा ससराम। ओ ससराम नगर दे विच एक गुरु का लाल चाचा फगो करके रहिंदा है, फगो उहदा नां है। ते जिवें कईआं दी अल पै जांदी, जिवें आपां पढ़दे पई चाचे दा ढाबा, मामे दा ढाबा, इसे तरह उहदा उपनाम पै गिआ सी चाचा फगो। और उहदा जीवन प्रैक्टिकली है। एक मैं थां थां ते बड़े दुख नाल गल कहिंदा है, असीं उपराला करदे पे लोकां नूं धार्मिक दिसीए पर धर्मी बणदे नहीं, दूजिआं नूं धार्मिक दिसीए पर धर्मी ना बणीए। गुरमुखो, लोकां तों सर्टिफिकेट लैण दी लोड़ नहीं, असीं धर्मी बणीए भावें धार्मिक दिसीए ते भावें ना दिसीए, पर साडा विखाले ते जोर है, विखाले ते। ओ चाचा फगो, नाले प्रचारक है ते नाले गुरु घर दी कार सेवा कठी करदा, माया यथा योग। एक कर गया, गुरु सारिआं ते मेहर करे, गरीबी बहुत वड्डी लानत है, बहुत वड्डी। एक बीबी झाड़ू मारदी ते चाचा फगो कहण लगा, धीए राणीए, गुरु घर दी सेवा। उस बीबी दे अखां च गलेडू आ गए, कहण लगी, चाचा फगो, जे सच पुछे ते कल दी रोटी नहीं खाधी, मेरे घर पाइया आटा भी नहीं। ये ससराम नगर दी घटना, जे ससराम नगर दी। चाचा, तू तां सेवा दी गल करदा है, कल दे घर रोटी नहीं पक्की, भुखे हां। सदके जावां इहो जे प्रचारक दे। कहण लगा, धीए राणीए, गुरु नानक गरीबां दा बरकतां पा देगा, तेरे घर जो कुछ है तू चुड़की आटा पा दे। बीबी दी पुभ निकल गई, कहण लगी, तू चुड़की दी गल करदा है, मैं कल पौणा फेर के ते मट्टी नूं झाड़ के ते रोटी पकाई, पौणा दे नाल मट्टी झाड़ के बनाई है, मेरे घर तां तोला आटा नहीं, तोला आटा नहीं। बाबा, मेरे जख्मां नूं छिल ना, मेरे कोल कूड़ा है। नमस्कार है हो जे धार्मिक बंदे नूं। उहने आख्या, धीए कूड़ा ही दे दे। उहने बदवा नहीं दित्ती, उहने बदकलामी नहीं कीती। मैं थां थां ते बोलदा, मैं तुहाडे कथा करना है, तुसीं लिफाफा देना है। जे लिफाफा मोटा ते प्रबंधक चंगे, जे लिफाफा पतला ते कहिंदे भुखियां दे चले गए। ये साढ़े कौम के प्रचारकों की हालत जाए, लिफाफे तो गलत चलनी है ना, सर्टिफिकेट लिफाफे तो मिलना ना। लिफाफा मोटा ते प्रबंधक चंगे, लिफाफा पतला ते प्रबंधक माड़े। पर मैं थां थां ते कहना, मरदाने ने 52 साल कीर्तन किया, गुरु नानक नाल लिफाफा नहीं जे किया। भाई गुरदास गुरु घर विच पूजिया गया, पहला कथा वाच के गुरु घर दा उन्हें ठेका नहीं जे किया। जे ठेके ते गल आ गई, पर तुहाडी भी गलती है, जिहड़ा वध ठेका लैंदा कहिंदे बड़ा वधिया विद्वान है। जिन्नी बोली वध है ना, उन्ना वध विद्वान। ते जिन्ने आख्या, गुरमुखो, जो गुरु देगा मैनू संतुष्टी, ते आपां कहिंदे इह की जाणदा है। रब दा वास्ता, जे गुरु दे अध्यात्म ज्ञान नूं कौड़ियां नाल ना तोलो, कौड़ियां नाल ना तोलो। भाई मरदाने ने आसा दी वार दा ठेका नहीं जे किया, भाई मरदाने ने सोदर दी चौंकी लाई, उन्हें ठेका नहीं किया। उन्हें आख्या, बाबा जिथे भी रखी मैनू चरणा विच रखी, मेरी होर कोई डिमांड ही नहीं। मैनू गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह तो परता गुरु नानक दिसदा है। मैं जदों भी इन्हां दे चरणा च आउणा, कहिंदा मेरे मालका, जिन्हें प्राण बख्शे ने तेरी वडियाई करां, ते जदों प्राण निकलण मैनू चरणा विच थां दई, क्योंकि बिनत धोर जे मंगणा सिर दुखां के दुख। मैं तेरे बारे पढ़िया ते सुनिया, इत्थे उत्थे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला। आख्या, बाबा मेरे कर आटा नहीं, कूड़ा लै जा। नमस्कार गुरु के सिख भाई नथे नू, उन्हें आख्या, धीए कूड़ा चलेगा, कूड़ा ही चलेगा। कूड़ा झोली च पवा लिया,
ਉਹਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੀ ਗਿੜਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਰੰਬੀ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਰੰਬੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੱਥੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਨੱਥੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਰੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਖੋਦਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੀ ਗਿੜਕ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਰਨ ਘੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਿਸੇ ਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚਿਮਚੇ, ਚਿਮਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗ ਜੇ, ਆ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ, 15-15 ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ 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 ਪਾਸੇ 2 ਕੜਛੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ 13 ਚਿਮਚੇ ਹੀ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਲੈ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਕਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਤੇ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਮਚੇ ਚਾਟੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਰਡ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸੌਗੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਆ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਾੜਾ ਜੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ 28 ਤਰੀਕ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੁਰਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਵਰਜ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਿਹਲਾ ਜੂ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੰਢੇ ਛਿੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਬ ਦਾ ਚਾਰ ਥੱਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਖਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੜੋ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹੋ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1665 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜਬ ਹੀ ਜਾ ਤਰਬੈਣੀ ਭੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਵਸ ਪਤਾਇ, ਉਸ ਟੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਭਾਈ ਨੱਥੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਚਾਚੇ ਨੱਥੇ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਈ ਪਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨੱਥਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਫੱਗੋ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਗੋ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਣ ਆਰਜੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਿੜਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,
मथे ते हाथ मार के कह लगा पातशाह भुल गया। हजूर कहिंदे फगो उस बेरी को चलिए। दीन दुनिया के मालिक आसन ते बैठे ने, जोड़ा नहीं पाया नंगे चरनी तुल पे उस बेरी वाले पासे। निकी जी बेरी है, मेरे हजूर ने अपने पावन कर कमलां दे नाल उस बेरी का पत्ता मूंह पा के आख्या, धीए तेरा लोग सफला, तेरा परलोक सफला। एजे गुरु तेग बहादुर पातशाह जेड़े किसी गरीब की जेड़ी बेरी की गिड़क है ओदे जेड़ा बूटा बनया ओदे पत्ते नू अपनी रसना ला कहिंदे ने धीए तेरा लोग सफला, तेरा परलोक सफला। गुरु की निगाह विच सारे एक ने, जे निगाह एक नहीं तो फिर गुरु नहीं। गुरमुखो उस मौके हिंदुस्तान का जो बादशाह सी ओदे अंदर एक सोच आ गई, मैं दारो उल हर्ब नू दारो उल इस्लाम विच तब्दील करना। ये याद रखना, जिन्ना चिर बंदा आर्टिफिशियल नकली धार्मिक है ओदे अंदर वंडियां होणगियां। जदों पूर्ण तौर ते धार्मिक बन जाए ओदे अंदरों वट्टां टुट जांदियां हन। जिन्ना चिर विखाले मात्र है ना धार्मिक, ओदे अंदर वट बन्ने ने उहनूं नफरत करदा है फलाना है फलाना है। जदों पूरा धार्मिक बन जाए ओदे अंदर विदकरा नहीं रहिंदा। उह कहिंदा सबको मीत हम आपन कीना, हम सभना के साजन। उह कहिंदा ना को बैरी ना बगाना, सगल संग हमको बना आई। ए असली धार्मिक बंदी दी पहचान जे। पर हिंदुस्तान दा बादशाह कहिंदा कि मैं सारे नूं इस्लाम विच लै आउणा है। होया कि उहने हंगामी मीटिंग कीती, अपने सलाहकारां नूं कहण लगा भी आपां नूं की करना चाहीदा है। उह कहिंदे जे पढ़े लिखे लोक आपां प्रभावित कर लईए ना ते आटोमैटिकली वह दूजियां ते प्रचार करके उन्होंने अपने नाल लै आउणगे। जिवें साडे भाईचारों भी खरीदे जा रहे ने, कोई कहिंदा बाबे दीप सिंह दा सीस नहीं लथा, कोई कहिंदा सोवरेज ताकत है नहीं। रब दा वास्ता जे धर्म दे विच शंका नहीं, धर्म श्रद्धा ते खलोता है। अगर शंका है धार्मिक नहीं, अगर श्रद्धा ते आपां धार्मिक हाँ। कईयां तां इत्थों तां कह दिता भी गुरदेव ने सिखां दे सिर नहीं कटे। उन्हां अकल दे अन्नियां नूं इह कहा करो, गुरु की बाणी च लिखिया सतगुर मेरा मार जीवाले, सतगुर मेरा सत प्रतपाले। गुरु की बाणी च लिखिया मृतु को पायो तन सासा, बिछड़त आन बुलाया। जे बाबे नामदेव दे कहण ते मोई हुई गऊ जिंदा हो सकती है ऐस दिल्ली दे विच, ते गुरु की नहीं कर सकता। साडा गुरु पखंडी नहीं, गुरु साडे ते मेहर करे, साडे अंदर विश्वास बजे। वह कहिंदे धार्मिक लोगों नूं आपे नाल जोड़ो। और सारियां तों वध पढ़े लिखे लोग कश्मीर विच ने। बादशाह दा सुनिया कश्मीर दे गवर्नर शेर फगान नूं गया, उहने उस मौके दे जिहड़े ब्राह्मण धार्मिक आगू सन उन्हां नूं अपने कोल बुलाया, बादशाह दी विचारधारा तों जाणू कराया। और वह भरा कहण लगे भी सानूं 6 महीने का मौका दिओ, उहदे तों बाद असीं तुहानूं अपना पक्ष पेश करांगे। जिहड़े विद्वानां नूं उहने बुलाया उन्हां दा मुख आगू सी कृपा राम, मटनो दी गोद सी। और मेरे सुन विच आया कि मटन उत्थे लागे पिंड भी है, पर मटन गोत मैनूं चंगी तरह पता भी मटन गोत है ब्राह्मण भरावां दी। ओह अपने धार्मिक अकीदे दे मुताबक अमरनाथ मंदिर गए, उन्हां जा करके उत्थे प्रार्थना कीती जो उन्हां दा धार्मिक ढंग तरीका है। दो विचार ने विद्वानां दे, कई कहिंदे कि उन्हां नूं अमरावती भाषा विच चिट्ठी मिली, कुछ वीर कहिंदे कि उन्हां नूं अमरनाथ मंदिर दे विच्चों इलहाम होया कि इस मौके जे को रख्या कर सकदा है वह गुरु नानक की गद्दी को जाओ, वह तुहाडा मसला हल करनगे। और उन्हां विद्वानां की गिनती साढ़े इतिहास में 16 करके लिखी है। इस तरह वह 16 विद्वान 500 साढ़े वर्गी आम सधारण जनता भी चलो बहाने नाल गुरु के दर्शन कर लांगे,
क्योंकि गुरु के दर्शन करने दे नाल जन्मा जन्मात्रा की मैल लै जाती है। तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म की कटिए। इस प्रकार गुरमुखो 516 कश्मीरी पंडता अथवा ब्राह्मणा का जथा आनंदपुर साहब पहुंचया। उन्हां हजूर दे अगे आण के अपनी वेदन अपनी दर्द रखी। मेरे पातशाह कहिंदे गुरमुखो, गुरु नानक दे दर तों को वड्डा नहीं, तुहाडे मसले का हल किया जाएगा। और उस मौके दीन दुनिया के माल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह मेरे बाला प्रीतम आए, अपने बापू की गोदी च बैठ के कहन लगे, बापू जी ये कौन लोग ने, ये की कहिंदे ने। हजूर कहन लगे, लाल ये कश्मीर के ब्राह्मण ने, इन्हां दे धर्म नूं खतरा है, ते बापू जी धर्म किवें बर सकदा है। लाल इन्हां वास्ते को महापुरख अपनी कुरबानी देवे। ते मेरे कलगीधर पातशाह कहन लगे, बापू जी मसला तां हल हो गया। लाल उह किवें, कहिंदे तुहाडे तों वड्डा महापुरख कौण है, इह जे गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह जिहड़ा किसे वास्ते अपनी बेबे वारदा है, जिहड़ा किसे वास्ते अपने बापू वारदा है, जिहड़ा चमकौर की गढ़ी दे विच्चों अपने पुत्रां दे शरीरां दे कोल दी लंघदा। दया सिंह नूं कहिंदा, दया सिंघा मिट्टी नाल मोह नहीं करीदा, अपनी मंजिल दूर है, अपना बेटा 2 घंटे बाजार तों लेट हो जाए, जो साड़ियां आंदरां नाल बीजदी असीं जाणदे हां, लेकिन पुत्रां दी लोह दे कोल दी लंघना ये केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह ही कर सकता है। कहन लगे, पातशाह तुहाडे तों वड्डा महापुरख कौण है, कहिंदे पुत्रा फिर मसला हल हो गया। कहिंदे कृपा रामा, औरंगजेब नूं जा के कह दे कि जे गुरु तेग बहादुर पातशाह इस्लाम नूं प्रवान कर लैण ते असीं अपने आप कर लांगे, साडा मसला उहनां दे नाल है। ये वह गुरु नानक है, कदे जनेऊ पाउण लई आया गोपाल पांदा, उन्हूं आख्या सी दया कपास संतोख सूद जात गंढी सत वट, ए जनेऊ जी का है तां पांडे कत, किते कहिंदा मैं जनेऊ नहीं पाउणा, ते किते कहिंदा पंडित जी घबराओ ना, मैं भावे नहीं पाया पर मैं तुहाडा जनेऊ लैण नहीं जे देना। यह है गुरु नानक पातशाह दर्द की विशालता। उन्होंने यह सुनिया, औरंगजेब नूं पुछा दिता, इधर दीन दुनिया के माल गुरु तेग बहादुर पातशाह दिल्ली नूं चल पाए। ये दुनिया के इतिहास की पहली घटना है कि एक मकतूल कातल को चल के जा रहा है। हमेशा कातल मकतूल को चल के आता है, मकतूल कातल को नहीं जाता, लेकिन ये उल्टी गंगा मकतूल कातल को आप चल के जा रहा है। याद रखना, सारे इको जे नहीं होंगे, साडे च बहुत वड्डी कमी है। असीं किसे कौम नूं इकदम सारी नूं माड़ा कह देने, कदे किसे नूं चंगा कह देने। गुरमुखो, हर कौम विच चंगियां दा घाटा नहीं, तो हर कौम विच माड़े भी हन। जे तुसीं मुसलमान भरावां नूं माड़े कहोगे तो गनी खां ते नबी खां नूं किहड़े पासे रखोगे, जे मुसलमान भरावां नूं माड़े कहोगे, ये केवल तो केवल पीर बुद्धू शाह है जिहड़ा पुत भी कुरबान कराउंदा है, भरा भी कुरबान कराउंदा है, साला भी कुरबान कराउंदा है। ते मेरे पातशाह कहिंदे मंग, ओह कहिंदा मेरे मालका मैनूं कंघा सणे केसां दे दे दे, उहने पदार्थ नहीं जे मंगे। आपां बाबे मनी सिंह दी गल पढ़दे हां, उहनां दे बंद बंद कटे गए, पर बाबे मनी सिंह दा संस्कार 2 सरदारां ने किया, 2 लाहौर दे वासियां ने किया है, एक सूरत सिंह सूरी और एक लशी राम, इन्होंने भाई मनी सिंह का संस्कार किया है। लेकिन पीर बुद्धू शाह दियां गुरमुखो बोटियां बोटियां करके खिलारियां गई, उन्हूं किसे दफन नहीं जे किया। इस करके मैं गुरु का वास्ता पा कहना, कोई कौम माड़ी नहीं, ते निकम्मे हर कौम च हो ही जाते हैं, इस पासे ना जावा। प्यारियो, सैफ दीन मैं अल्फाज क्यों कहे ने, सैफ दीन औरंगजेब का सका मासड़ है, लेकिन अरदासा करता गुरु तेग बहादुर
मेरे मालिका कि गरीब के घर भी चरण पा जा, मेरा घर मंदिर बन जाए। क्योंकि आप पढ़ते हाँ जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान भालिया लै तूर मुखलावा। मेरे गुरदेव दो महीने वह साहब दीन दे कर रहा है, जिहड़ा बहादुरगढ़ किला उथों की घटना है, उन्हें रज रज के सेवा की थी। ए वक वक भावना ने जो जो चितवे साध जन सो लेता मान, आप पढ़ने इच्छा पूर्क सर्व सुख दाता हर जां के वास है काम ते ना। एक नौजवान बच्चा आगरे अरदास करदा, गुरु तेग बहादुर पातशाह तू गिरफ्तार तो होना है, जे किते मेरे राही हो जाए तो मेरी गरीबी कट्टी जाए। वेखो अरदास भी तुसी गिरफ्तार तो होना ही होना, पर जे मेरे राही हो जाओ ना ते मेरी गरीबी कट्टी जाए। कह लगे मती दास आप भी कम कर चलीए। आगरे गए, उस बाग भी उतारा किया जिथे गुरु का बाग है, ओनू आजनी आवाज मारी, काका आ साडा दुशाला लै जा, आ माया लै जा, ते हलवाई कोलों मठियाई लाया। जदों जाके हलवाई दे कोलों उन्ने वो मठियाई मंगी, एक कीमती चीजा वेख करके उन्हों शक पै गया, ते तन गुरु तेग बहादुर पातशाह नू आगरे तो अरैसट किया। किन्ना डर होवेगा सरकार नू कि 5000 की गिणती विच मुलाजमान ने घेरा पा के गुरु तेग बहादुर पातशाह नू आगरे तो दिल्ली लिया, नाल 5 सिख सन जिन्हों का जिक्र आप तिना का तो सारे जानते, भाई मती दास, भाई सती दाल, भाई दयाल दास, चौथा भाई साहब चंद है, तो पंजवां बाबे बुढ़े की अंश बंश विचों बाबा गुरदत्ता जी हैं। गुरु प्रताप ग्रंथ के मुताबिक मेरे पातशाह का तारा उस भूतों वाली हवेली जिथे नेरा हो, जिथे कोई ना जाए, आप भूत रेंदे वेखे तो किसी है नहीं। मैनू किसी ने पूछा भी ज्ञानी जी तुसी भूत वेखे, मैं क्या भी मैं तेन कोठियां भरिया विखा दिना, कहिंदा जी किवें, मैं क्या गुरबाणी च लिखा जे कर साध ना सेवीए हर की पूजा ना है, ते कर मरहट सारखे भूत बसे तिन माए। जेड़े घर विच आए नू रोटी नहीं मिलदी, जिथे रब का ना नहीं लैंदा, वह वेखण नू भावें बंदे प्रतीत होंदे पर अकॉर्डिंग टू गुरु की बाणी असली ओरिजिनल भूत ने। बाणी की पंक्ति है जे कर साध ना सेवीए हर की पूजा ना है, ते कर मरकट तो पावंदा मड़िया सारखे तो पाव वर्गे, ओ कर मड़िया वर्गे ने, ते जेड़े रेंदे ने भूत वसे तन माए, वो सारे भूत ने जिन्हों मुड़के उन्हां दी वंड भी कीती है। मां जनूरी पुत जनूरा जोरू जिन्हां दा सरदार, उथे लिखिया भी गुरु तेग बहादुर पातशाह ने गन्ना चूपिया, तो मती दास ने आख्या मैनू भी छिल दे दे मेरे मालका। जदों उन्हें चूसिया तो कहन लगा जी आ गया करो दिल्ली ते लाहौर दी इटना इट कड़का दें। हजूर कहिंदे पाई कित्थों, कहिंदा जी पाई है तुहाड़ियां छिलां चों। हजूर कहिंदे मती दासा जे गन्ने नू चूपण वाला जरी बैठा तो छिलां वाले नू भी जरना चाहिए है, जरना चाहिए है। हर थां ते खुफिया विभाग हुंदा है, आपां भावें धार्मिक समागम कर रहे हैं ना, पर इत्थे कोई ना कोई पक्का मुलाजम आया होगा जिहड़ा रिपोर्ट देवेगा थाने च फलाना बंदा आ बोल गया। सरकारां इवें नहीं चलदियां, हर थां ते जिहड़ी सिक्योरिटी हुंदी है, अगर नहीं तो सरकार अज भी गई तो कल भी गई। सरकारां चलदियां जसूसां उपर ने, उन्होंने जा खबर दी भी एक मती दास नाम का बंदा सारियों तो फड़ा वध मारदा है, पहला इहनू घेरो। कहन लगे इहनू आरे नाल चीरिया जाए। इतिहास के मुताब जिहड़ा दरोगा सी ना वह सतगुरु पातशाह के दारे करके गुरु का सेवक बन गया। भाई साहब चंद ते बाबा गुरदत्ता जी गुरु की आग्या दे नाल इत्थों चले गए। बाबा गुरदत्ता जी इस दिल्ली दे विच ही बार बार घोड़िया की एक चारगाह सी जिथे घोड़े चारदे सन, उस थां ते बाबा गुरदत्ता जी पियाना कर गए। उन्हां दी पालसी सी भी जे गुरदेव दे सामने इन्हां दे सिखां नूं शहीद किया जाए हो सकदा कि ये डर जाण।
काजी ने फतवा लाया इनू आरे नाल चीरिया जाए। मैं इस गल तो हैरान हाँ, मैनू अजे तक समझ नहीं पई पाक कुरान दे विच जेड़े बाकियां नू मारन दे जिन्ने भी नियम ने ना वह सारे दे सारे सिखां ते वरते गए। जस्ट लाइक जिवें गुरु पंचम पातशाह नू तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया ना, उस दफा का नाम है यासा। पाल के जिस बंदे नू मारना है उन्हूं इस ढंग नाल मारना भी उहदा खून ना डुले। एक कुरान के मुताबिक सजा है, उन सजावां दे विचों एक सजा नीत की गई कि इस गुरसिख नू आरे नाल चीरिया जाए। जिहड़ा सबक कदे तत्ती तवी ते जिवें ब्लैक बोर्ड हुंदा ना ते उस्ताद पूरने पाउंदा ते विद्यार्थी उस सबक नू मुड़ के कंठ करदे ने, ये लैसन कदे पंजाब की राजधानी लाहौर विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह लिखिया तत्ती तवी उपर और उहदा एग्जामीनेशन हाल ये दिल्ली बनिया, पहला पेपर पिया सिख नू इहनू आरे नाल चीरिया जाए। सरकारां दे नियम हुंदे ने, अज भी अंतम खाश ये वक्री गल है कि सिख वास्ते कानून होर है तो बाकियों लिए अड। जिवें साडा कपरा राजो आना है 24 साल उन्हू हो गए ने उहदे ते कोई कानून लागू नहीं, जबकि उम्र कैद वाले नू 14 सालों तो बाद रिहा किया जाता है। जिस बंदे नू उम्र कैद होवे ना उहदी कुल मिणती बना के माफ़ी वगैरह जोड़ के 14 साल हो जाती तो उन्हू रिहा किया जाता है, पर भाई उस राजो आने के 24 साल हो गए ने कोई कानून नहीं। उहदा कारण कि उहदा जन्म सिखां दे करदा है। इस गल की समझ नहीं पई कि सिखां वास्ते कानून अड क्यों। बड़ा पुराना रिवाज है, अज भी चलता है, ये गुरु नानक जाने भी पता नहीं किन्ना चिर चलना है, यह साडे वस की बात नहीं। गुरमुखो कहन लगे तेरी अंतम खाश, कहन लगा एक है जदों मैनू आरे नाल चीरो ते मेरा मूँह गुरु तेग बहादुर पातशाह दे पिंजरे वल होवे की मिलेगा तेनू भाई। कहन लगा मैं गुरु का सिख हाँ, मैं गुरबाणी पढ़दा, मेरा गुरबाणी ते विश्वास है, मैं गुरबाणी च पढ़िया कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बधारियो। जदों मेरा गुरु पिंजरे विचों मेरे वल कृपा भरी निगाह नाल तकेगा मैनू तेरे आरे की दर्द नहीं होनी। जलादा आज हिंदुस्तान की राजधानी च कंपीटीशन है, मुकाबला है, तू आरे नू तिख्या कर। मैं मन नू तिख्या करा, कहिंदा आरे नू तिख्या करांगा टकोरे नाल डेती नाल, तू कदन करेगा। कहन लगा गुरु की कृपा नाल। इसे करके गुरबाणी च वार वार आउंदा गुर प्रसाद, प्रसाद अर्थ है गुरु के सिखा। बात मेहनत नाल नहीं बननी जिन्ना चिर गुरु ने कृपा ना की। गुरु की कृपा ही महान है, गुरु की प्रसाद ही महान है। मेहनत नाल बात नहीं जे बननी गुरु के सिखो, गुरु को कृपा मंगया करो, कृपा मंगया करो। जलाद ने बिस्मिल्ला कहा, इन्हें धन गुरु तेग बहादुर पातशाह वाले पासे सिर नीवा करके आख्या मेरे मालका मेरी तेरे नाल तोड़ निभ जाए। जो मैं तोड़ निभ जी आख्या ना तो गुरमुखो मेरा मन माता गुजर कौर वाल चला गया, जिन्हों माता गुजरी कहने हैं। समा क्योंकि जिन्ना मेरे तो बाद लगना वह कहन दे भी ज्ञानी शायद हटता नहीं, जेडे पहला लगे सन वह भी नहीं हटे, तो घंटा कह गया जे तुसीं कहो तो मैं हट जावां। पता नहीं क्योंकि साडा समाज पंक्चुअलिटी है नहीं, यह बड़ा वड्डा गुण है। पंक्चुअल होना एक बहुत वड्डा गुण है, पर असी पंक्चुअल नहीं। टाइम की पाबंदी चाहिए, 9 ते हटना चाहिए, मैं 10 ते हटदा, तो जिहड़े आह प्रबंधक ने उन्हें 15 लाड़े, तो बाकियों का की हालत होगी। पंक्चुअल बनो, पंक्चुअल ये मेरी बेनती है। सच कहना बड़ा चंद्रा पर की करा, ये मेरी रगां चा दे के बुलाउंदा, बोलता क्यों नहीं, खाना मेरे तो बोलेगा कौन तेरा प्यो, ये मैनू मजबूर करता है, ये डाढ़ा है, मालक है। गुरमुखो मेरे गल तां मन च आई क्योंकि हो सकता रह जाए। जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह का पावन सीस लैके भाई जैता पहुंचया ना शहीद गंज आनंदपुर साहब, साडी मां गुजर कौर आई, मां गुजरी आई, रोई नहीं, दुथणा नहीं मारियां, उन्हें गल च पला आके आख्या सी मेरे सिर दे साइयां तेरी निभ गई, मेरी निभ जाए।
एक ते प्रसंग पढ़ना। भाई मती दास नूं आरे नाल चीर लगे, उन्हें एक प्रार्थना की, आप सारे गुरसिख आप गुरु को मंगिए। मैं ये कह रहा कि मैं अपने चाचे को संथिया लई, उन्होंने पंजाब 37 जलूस कढ़े गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहीदी के समय, और उन्होंने हजारा वेर प्रसंग किया। आप भी अज गुरु को मंग मंगिए, जेड़ी भाई मती दास ने मंगी सी की है, मेरा सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। ते पता गुरदेव ने की आख्या, उन्हें यह नहीं आख्या भी घबरा ना, उन्हें कहा दित्या बाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्या बाज नहीं रहना, दित्या बाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्या बाज नहीं रहना। शहीद बिलास ग्रंथ के मुताबिक पंच प्रवान पंच प्रधान की पौड़ी ते पाठ आया, शरीर दुफाड़ हो गया। ग्रंथ का नाम है शहीद बिलास, बाणी रुकी नहीं। जिवें आपां नामे पातशाह के सलोक सरवण किए ने, इस प्रकार उन्हां दो फाड़िया विचों आवाज आई, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। अपरंत सुखमनी साहब का नित नेमी है भाई दयाल दास, ओनू उबलती देग च बिठाने लगे, कहिंदे तेरी अंतम इशा कहन लगा है, देग नूं उपरों ढकिया जे ना, जदों मैं देग च उबलां मैं इन्हां नेत्रां दे नाल गुरु तेग बहादुर पातशाह दे दार करां। गुरमुखो मास अड हो गया, हड्डियां अड हो गईयां, लेकिन अजे भी उस देग चों आवाज आउंदी है, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन बसराम। तीजे नंबर ते वारी आई भाई मती दास दे सके भरा सती दास दी, इन रूंज लपेड़ करके ते अग लाई गई। जदों मैं 84 की गल पढ़दा ना ते मैनू आउंदा, दिलिए तेरियां आदतां ना गईयां, कदे तू सानू रेत रूंज लपेड़ के साड़िया, तेरे कोल रूह मुगी तू सानू टायरां नाल साड़िया। दिलिए कदे तू रूह नाल साड़िया, कदे तू रबड़ा दे टायर पा पा के साडे वीरां बजुर्गां बच्चियां नूं साड़िया। दिलिए ये की कारण है, तेरी बाबे नानक नाल क्यों नहीं बनी, पर तेरे वस दी नहीं, तेरे ते बाबर का पहरा है, बाबर ते बाबा कदे कट्ठे नहीं होए। इत्थे बाबर की आत्मा हमेशा काम करती रही, उन्हां नूं गुरु नानक का सिख चंगा ना लगा। ये तीन सिंह शहीद हो गए। वारी आई गुरु तेग बहादुर पातशाह दी, 11 नवंबर 1675 मगर सुधी पंचमी, जलाद आया जलाल दीन। कई गल्लां दी समझ नहीं पैंदी, कई खानदानी घटिया कर्म लई जम्मे हुंदे ते कई खानदान नेकी करदियां करदियां अपना काम करी जांदे ने। ये लफ्ज मैं तां कहे ने, नूर उद्दीन जलाद ने गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं शहीद कीता, उहदा नाम नूर उद्दीन है। प्रिंसीपल सरबीर सिंह नूं पढ़ो, नूर उद्दीन का पुत्र है जलाल दीन, इन्हें गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं शहीद किया है, और ये जलाल दीन के पोतरिया ने गुरु तेग बहादुर पातशाह के पोतरिया नूं, जिन्हों का नाम शाशल बेग ते बाशल बेग है, जदों नीयां में चने गए तो इन्हों के सिर कलम किए। ये तुसीं प्राचीन पंथ प्रकाश विचों पढ़ सकते हो। मेरे पातशाह ने इशनान किया, कहन लगा करामात, कहिंदे करामात हुणे हो जाएगी, जदों असीं जपजी साहब का पाठ संपूर्ण करांगे तू अपना तमाम काम कर लई। हजूर ने जपजी साहब का पाठ किया, जदों श्लोक पढ़िया, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुहजले केती छुट्टी नाल, और गुरु का पावन सीस भाई जैता लै करके नंगे चरनी पांच पड़ा करके गुरु का लाल आनंदपुर साहब पहुंचया। आई तुसी बड़े अमीर हो, बड़ा माण करते हो, अमीर होना बड़ी चंगी गल है, सदके जाया करो लखी छावन जारे तो।
किसे कोल तीन गड्डियां ते फड़ा मारदा है, किसे कोल चार ने ते वड्डा बण बण पैंदा है। उस जमाने चो अज दे जे पैसे नाल मल्टीप्लाई करिए ते अरबांपति बनेगा, जे अज दे पैसे नाल उहदी गिनती करिए ते उहदा 1000 गड्डा है, 2000 बल्द ने। वह मौके की ताक विच मैं गुरु की सेवा करा, हनेरी चली, सतगुरु पातशाह का पावन धड़ लैके अपने घर गया, उन्हें अपने घर नूं अग ला दित्ती। कहण लगा मालका ये तेरे तो बिना मैनू घर भी चंगा नहीं लगता। ते दुनिया के लोगों नूं आख्या मैं लुटिया गया, कई ने मदरदी की, नुकसान होया। कहण लगा कोठियां कई आईया कई गई, पर गुरु की सेवा का तो मौका कदे कदे मिलता ना। ये लखी शाह वणजारे का जवाई होया बाबा मनी सिंह दरबार साहब का मुख ग्रंथी। एहो जे नेक इंसाना ने गुरु घर की सेवा की, गुरमुखो आप जीवन तो प्रेरणा लीए। समय के मुताबिक मैं बड़ा कुछ किया है, पर गुरु का अभ्यास नवेरा होने करके मैं सूखम थोड़े साझ की है। गुरमन की विचार करद गलतियां सुभाविक ने, तुम गुरु अगे अरदास करो एक साढ़े वास्ते, जेडे असी थोड़े धार्मिक प्रचारक असी डुप्लीकेट ना होइए, साड़ी कहनी ते कथनी एक होवे। ये तुसी गुरु अगे अरदास करो, असी जो कुछ तुहानू कहिंदे आ असी कलाकार ना बणीए, साडा जीवन इको जिहा होवे। ये गल तां बणेगी जे तुसी गुरु अगे अरदास करो, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जियो गुरु का।